गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर आपका मेरे चैनल भलाई बूस्टर पे आप सभी का स्वागत है। और मेरे पास कुछ पिछले सजेशंस आए थे कि कुछ अच्छे अच्छे कमेंट्स आए थे मेरे पास, जैसे सागर लावलानी जी ने किया था कि उन्होंने काफ़ी सारे टिप्स दी हैं मुझे, तो मैं उसे बिल्कुल इम्प्लीमेंट करूँगा। मैंने उन्हें कमेंट भी किया है। और पिछले व्लॉग में जो एक क्वेश्चन पूछा था कि स्पीड ब्रेकर्स की हाइट कितनी होनी चाहिए और स्पीड ब्रेकर्स कहाँ कहाँ लगे होने चाहिए, एग्जैक्टली कहाँ लगे होने चाहिए, तो दो लोगों का मेरे पास कमेंट आया था मेरे कमेंट में, जिनको मैंने फिर रिप्लाई कमेंट किया है। और उनका उनमें से एक ने मुझे अपनी डिटेल्स प्रोवाइड कराई हैं, मुझे मेरी मेल आईडी में उन्होंने भेजा है info.bhilaibooster@gmail.com, जिनका नाम है अजीश नायर और ये रहने वाले हैं भिलाई के। ये कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल। और बहुत बहुत धन्यवाद अजीश भाई, आपने रिस्पांस दिया और आपने बहुत ही कारगर जानकारी लोगों तक पहुंचाई है। और सबसे बड़ी बात है कि आपने मेरा वीडियो व्लॉग पूरा देखा है, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि मैं इस व्लॉग में आप लोगों से क्या शेयर करने वाला हूँ। इस व्लॉग में आप लोगों को मैं बताऊँगा मेरे विंडशील्ड की स्टोरी। आखिर ये विंडशील्ड इतनी छोटी क्यों है और ये ब्लैक कलर और ये जो भी है, ये विंडशील्ड की स्टोरी है क्या? तो विंडशील्ड का सीन ऐसा है दोस्तों कि मैंने जब बाइक ली थी बजाज शोरूम से, तो मैंने विंडशील्ड ख़रीद ली थी, कौन सी, जो क्रूज़र, जो बजाज एवेंजर 220 क्रूज़ में जो लगती है वो वाली विंडशील्ड, 3000 में मुझे पड़ी थी और मैंने वो ले ली थी क्योंकि उस टाइम मुझे लगा कि ये लेनी चाहिए और वो सही भी थी। देन उसके बाद जैसे जैसे मैंने मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट की, जब फर्स्ट टाइम मैंने गोप्रो कैमरा अपने फ़ोन पे सेट, अपने हेलमेट में सेट किया, तब जो है मुझे थोड़ी सी तकलीफ़ हुई व्लॉगिंग करने में, बिकॉज वो जो विंडशील्ड है उसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा थी और मुझे प्रॉब्लम फेस हो रही थी क्योंकि वो बीच में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रही थी। तो कोई भी व्यूअर अगर देखता है तो उसे ऑब्स्ट्रक्शन फील होता है, इसलिए मैंने उसे निकाल दिया। उसके निकालने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत फ्री फील हुआ कि मेरा हैंडल काफ़ी हल्का हो गया था। लेकिन उसके बाद मुझे विंडशील्ड की और वैल्यू पता चले कि वो होता किस लिए है। तो वो जो है आपकी जो विंड की रिस्ट्रिक्शन आती है आपके बॉडी पे, उससे आपकी बॉडी होती है जल्दी टायर्ड, इसीलिए उस विंडशील्ड को लगाना फ़ायदेमंद होता है, जिससे आपकी बॉडी जो है वो टायर्ड नहीं होती है जल्दी अगर आप लॉन्ग राइड पर जाते हैं। तो मुझे लगा फिर से विंडशील्ड लगानी चाहिए। और विंडशील्ड लगाने का दूसरा वजह एक और ये था कि मेरे गाड़ी में कोई ऐसे जगह मुझे नहीं मिल रही थी जहाँ पे मैं अपने चैनल का नाम लगा सकूँ या लिख सकूँ या पेस्ट कर सकूँ, तो मुझे लगा कि विंडशील्ड इज़ द प्रॉपर एरिया, सामने रहेगा और प्रॉपर तरीके से जो डिग्निटी है, जो वैल्यू है मेरे चैनल की, वो मेंटेन रहेगी एकदम सामने फ्रंट पे। तो मैंने फिर सोचा यार अगर मुझे करना ही है तो, और नई विंडशील्ड लेने के फेवर में बिल्कुल नहीं था क्योंकि मैंने काफ़ी सारे जो हैं शॉप घूमा, और उसके बाद फिर मुझे लगा कि अब छोड़ो यार नई विंडशील्ड क्यों लेना, क्योंकि जो मेरे पास पुरानी ऑलरेडी 3000 की पड़ी हुई है मैं उसका क्या करूँगा, वो तो मेरे फिर कभी किसी काम नहीं आएगी। इसीलिए मैंने फिर सोचा कि यार उसे ही यूज़ किया जाए। और उसे यूज़ करने के लिए मैंने क्या किया कि मैं गया शॉप पर, मैंने बोला आप इसे काटिए ऊपर से, ऑटोमोबाइल शॉप पे गया, मैंने बोला काटिए आप इसको ऊपर से, इसे छोटा कर दीजिए। मैंने मार्किंग करके दी उनको कि आप इतना ही काटिए, इतने में सही लगेगा। उसके बाद कटवा दिया, उसके बाद फिर रैपिंग कराई इसके ऊपर ब्लैक कलर, ऐसी हो चुकी है फाइनली गाड़ी। सी पहले ये पूरा हमने, ये जो ओरिजिनल था, जो ओरिजिनल यहाँ पर लगा हुआ था विंडशील्ड, उसे काटा और उसे काटने के बाद फिर हमने इसे यहाँ पर फिर रैपिंग कराया, आई थिंक रैपिंग बोलते हैं, रैपिंग कराया ब्लैक कलर में, मैट फिनिश ब्लैक कलर में। और उसके बाद ये प्रिंट करवाया यूट्यूब लाइक बूस्टर, तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। और उसके बाद भाई अपना फिनिशिंग दे रहे हैं, अपने शॉप के बारे में कुछ बताइए। अब्दुल ऑटो सेंटर सुपेला में, और बेहतरीन काम करते हैं यार, अपना एक्स्ट्रा टच ज़रूर देते हैं और दिल से करते हैं, ये सबसे अच्छी बात है। क्यों, ये सबसे अच्छी बात है। आप किसी भी शॉप में अगर आते हैं और कोई अपना एक्स्ट्रा टच देता है, कोई भी जो कारीगर या जो भी शॉपकीपर वहाँ पे होता है वो एक्स्ट्रा टच देता है, वो एक दिल से बात आती है और उसमें मज़ा आता है। दोस्तों अल्टरनेटिव हर चीज़ का होता है, हमारे पास जो है हम उसी से बहुत कुछ कर सकते हैं, और मेरे ख्याल से हम सभी को ये ट्राई करना चाहिए,
हमें हर बार नई चीज़ हम खरीद सकते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारी वैल्यू जो है वो वेस्ट होती है, हमारी जो मनी है वो वेस्ट होती है, क्योंकि पुरानी चीज़ की भी कुछ ना कुछ वैल्यू तो होती है। और वही चीज़ मैंने की है कि मेरे पास जो चीज़ अवेलेबल थी मैंने उसी को यूज़ किया, तो मेरी काफ़ी कॉस्ट बच गई। अगर मैं नया लगाता तो डेफिनेटली वो भी 1-1.5 हज़ार का आता ही, तो ये चीज़ मेरी बहुत सस्ते में हो गई। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और मेरा आइडिया पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, और मुझे अपने जो रिव्यूज़ हैं वो देते रहिए ताकि मैं और ज़्यादा चीज़ें सही तरीके से कर सकूँ आप लोगों के लिए। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, शब्बा खैर एंड सब्सक्राइब। काफ़ी पतला है, नज़र भी नहीं आ रहा होगा।